तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स में आपको लगभग 1:2 का टारगेट मिल चुका है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी आपको यहाँ पे लगभग 1:2 का टारगेट मिल चुका है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपको लगभग यहाँ पे 1:7 का टारगेट मिल चुका है। लेकिन हमें सब छोड़ना है, हमें सिर्फ ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी निफ्टी में, जहां पे हमें डेली इंट्राडे में लॉसेस हो रहे हैं, हमारे स्टॉपलॉस पे स्टॉपलॉस सीट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स को अनदेखा कर रहे हैं, हम लोग स्टॉक्स को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों दोस्तों ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? इन स्टॉक्स में जब मूवमेंट आती है वही मूवमेंट बैंक निफ्टी निफ्टी में आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर कीजिए, बैंक निफ्टी निफ्टी में आप जो है ट्रेडिंग थोड़े दिन के लिए अवॉइड कीजिए, यहाँ पे आइए अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चालू कीजिए। मेरी सच में बोल रहा हूँ फ्रैंकली, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं सच मानिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो बैंक निफ्टी निफ्टी में, कितने लोगों का कैपिटल बढ़ा है प्लीज कमेंट कीजिए। मुझे मालूम है कि काफी लोगों का यहाँ पे कैपिटल कम हो गया है, लेकिन जब आप यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना शुरुआत करोगे आपका जो कैपिटल है स्लोली स्लोली बढ़ना शुरुआत हो जाएगी। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ स्लोली स्लोली। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? आपको लालच है कि नहीं मुझे आज एक दिन में 2000 कमाना है, 4000 कमाना है? आप परसेंटेज वाइज खेलिए तभी जाके आप प्रॉफिट कर पाओगे। तो वही आज का सेटअप मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, कहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है और आपका टारगेट और एग्जिट। देखिए आपको एग्जिट भी सही टाइम पे करना है, अगर आप सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाओगे तो ट्रेड लेके मतलब नहीं, फिर से आपको वहाँ पे लॉस होने वाला है। तो चलिए हम लोग जाएंगे ये आज के दिन का सेटअप सीख लेंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है ट्रेड ट्रिक्स। और जैसे कि आपने देख लिया इंट्रोडक्शन में आज हम लोग कौन से सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे चैनल पे आज तक हमने आपको काफी सारे सेटअप बताए, चाहे वो इंट्राडे के हो बैंक निफ्टी निफ्टी या स्टॉक्स के, या चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के हो, मैंने बहुत सारे सेटअप बनाए और उनको लाइव मार्केट में करके भी बताए हैं। तो दोस्तों ये वीडियोस आप देख सकते हो, और ये वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ही उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग जाएंगे चार्ट पे जहाँ पे हम लोग जो है ये आज का सेटअप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं TCS के चार्ट पे, और ये सेटअप सीखने के लिए मैं आपको कुछ ड्राइंग्स बताना हूँ, ठीक है? ड्राइंग्स के हेल्प से मैं आपको ये सेटअप काफ़ी अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा, तो वो ड्राइंग्स मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ये सेटअप करने के लिए रेंज को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है? रेंज को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो रेंज क्या होती है? किसी भी कैंडल का अगर हाई पॉइंट और लो पॉइंट हम लोग माइनस करेंगे तो हमें वो रेंज मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से छोटी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कैंडल का हाई बना है 100, ठीक है, और लो बना है 80, तो हम लोग 100 - 80 करेंगे तो उसी रेंज कितनी आई? 20 पॉइंट्स की रेंज आए, ठीक है? और सिमिलरली हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे रेड कैंडल की, रेड कैंडल का समझो हाई बना है 150, ठीक है, और लो बना है 90, तो उसकी रेंज क्या आएगी? उसकी रेंज आएगी 60, ठीक है? रेंज आपने कैसे कैलकुलेट करना सीख लिया? किसी भी कैंडल का हाई पॉइंट और लो पॉइंट आपको मार्क करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो अब हम लोग जाएंगे अगले इमेज पे, ठीक है? मैं अगले इमेज से आ रहा हूँ, ये कैलकुलेटर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अगली इमेज आपके सामने रेडी है, ठीक है? तो ये वो इमेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल्स आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखनी है। कितने कैंडल्स है आपके सामने? आपके सामने लगभग 7 कैंडल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और इन 7 कैंडल्स का जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इनके कलर से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये फॉर एग्जांपल हमने लिया है, ये सातों के सातों कैंडल्स माइट बी रेड भी हो सकते हैं और माइट बी ग्रीन भी हो सकते हैं। क्लियर है? कन्फ्यूजन मत रखिए कि यही 7 कैंडल्स हमें चाहिए, जाके आप चार्ट में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, 7 कैंडल्स ऐसे देखने हैं और 7 कैंडल्स देखने के बाद आपको उनकी रेंज निकालनी है जो मैंने आपको सिखाया। तो ये देखिए ये जो 7वीं कैंडल है ये वाली, उसकी रेंज जो है वो फर्स्ट कैंडल से तो छोटी होने वाली है डेफिनेटली, सेकंड कैंडल से छोटी होने वाली है, थर्ड से भी छोटी होने वाली है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स से भी छोटी होनी होने वाली, राइट है? तो इस 7वें कैंडल का आपको क्या करना है, सिंपली हाई और लो मार्क करना है, और जिस डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट मिलेगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना। आप इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप इंट्राडे पोजीशन भी बना सकते हो, लेकिन ये जो सेटअप है आपको लॉन्ग में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के देता है कंपेयर टू इंट्राडे, ठीक है? एक मैं आपको इमेज बता रहा हूँ, ये इमेज देख लीजिए। अगर बाय चांस यहाँ पे 7वें दिन का हाई ब्रेक हुआ, अगले दिन अगर आपको ऐसे ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आप वहाँ पर हाई ब्रेक होने के बाद बाय कर लीजिए, ठीक है? क्लियर है? और आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे लो ब्रेक होता है आपको शॉर्ट सेल करना है, या अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो आप वहाँ पे पुट खरीद सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक का, ठीक है? लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले इन्हें पहले इंट्राडे में बायो सेल कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी सी जो अलग है, उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपने गलती से किसी आउट ऑफ द मनी आप बोल सकते हो पुट में एंट्री बना ली तो एग्जिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इसे इंट्राडे कीजिए, बायो सेल कीजिए, स्लोली स्लोली से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप इसे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हो। तो समझ में आया? 7 दिन का जो 7वें दिन का जो आप बोल सकते हो
कैंडल है उसका आपको सिंपली क्या करना है, हाई और लो मार्क करना है और जिस डायरेक्शन में आपका ब्रेकआउट मिलेगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। तो मैं फिर से आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और ये आप देखिए, ठीक है, ये जो 20 तारीख का डेटा है, ये जो 20 की कैंडल है, इसकी जो रेंज है TCS में ये पिछले 6 कैंडल से कम है, ठीक है। जब इसका हाई ब्रेक हुआ तब आपको पोजीशन बनानी है और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने में, जैसे मैंने आपको बताया 1:7 का रिटर्न्स आपको मिल गया, ऐसा आपको यहाँ पे TCS में मिल गया, ठीक है। कौन सी कैंडल थी यहाँ पे, ये वाली। आप अभी चाहो तो यहाँ पे रेंज कैलकुलेशन करना सीख लोगे, सीख जाओ। यहाँ पे इसकी रेंज आप देखिए क्या है, ऊपर 3809 उसका हाई है, 3780 मतलब लगभग 30 पॉइंट की रेंज है और बाकी के जो भी कैंडल्स यहाँ पे आप दिख रहे हो इन कैंडल्स की रेंज इससे ज़्यादा ही है, तो आपको ये कैंडल का रेंज मार्क कर देना है, ठीक है। और उसका जैसे हाई ब्रेक होगा आपको पोजीशन बनानी। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपने यही कैंडल क्यों आइडेंटिफाई की, मैंने ये कैंडल यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने जो है एक फिल्टर लगाया था स्टॉक्स के जहाँ पे मुझे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प आउट होता है, तो वहाँ पे ये स्टॉक मुझे मिला था, ये तीनों स्टॉक्स टाटा, आप बोलोगे टाटा मोटर्स, ये देखिए टाटा मोटर्स, उसके बाद में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये वहाँ पे मुझे मिले थे। तो वहाँ पे मिलने के बाद मैंने यहाँ पे उनका हाई और लो मार्क कर दिया, अगर हाई ब्रेक हुआ तो कॉल लेना है और लो ब्रेक होता है तो आपको शॉर्ट करना है। वो वेबसाइट भी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ वहाँ पे अपने फॉर्मूला डालना है, जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला डालोगे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी उस वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चार्ट लिंक करके नाम की वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, स्क्रीनर में जाना है आपको। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीनर पर जाओगे आपको नीचे बहुत सारे जो है फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NR7 करंट डे, ये आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट जिसे हम लोग बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निफ्टी 50 देखेंगे, निफ्टी 50 देखने के बाद रन स्कैन करेंगे तो स्टॉक्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इतने स्टॉक्स आज के हैं, हमने जो डेटा बैकटेस्ट किया था वो 20 तारीख का था, तो मैं यहाँ पे 20 तारीख दिखा रहा हूँ, कहाँ पे 20 तारीख है, ये देखिए यहाँ पे 20 तारीख है। कौन से स्टॉक्स है, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स, TCS है ना स्टॉक्स, तीनों स्टॉक जो मैंने बताया 20 तारीख के बताया। आप जहाँ पे चाहो तो आप दूसरे भी स्टॉक्स देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जून के पहले का क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि देखिए इलेक्शन के बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स में बड़ी बड़ी मूवमेंट आई थी, तो हम लोग यहाँ पे 10 मई का भी डेटा देख सकते हो। तो यहाँ पे हिंडालको था, टाटा स्टील था, तो हिंडालको चार्ट देख लेते यहाँ पे, हिंडालको, ठीक है, हिंडालको तो चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। कौन सा था, 10th of May, ठीक है, 10th of May वहाँ पे, 10th of May, हाँ ये देखिए क्लियर है, ठीक है, ये देखिए हाई ब्रेक हुआ, आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको लगभग 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 कितने दिन में, 16 दिन में आपको 1:5 का टारगेट रिटर्न्स देखिए आप, लगभग 13% रिटर्न, कितने 13% रिटर्न। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे यहाँ पे रेंज कम हो जाती है जो है वॉल्यूम भी कम हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको वो ब्रेकआउट मिलने वाला है, ठीक है। मार्केट है या कोई स्टॉक है वो काफ़ी दिन के लिए वोलेटाइल नहीं रह सकता है, कभी कभी वो साइडवेज होता है, कभी कभी जो है कुछ मोमेंट नहीं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन कभी ना कभी तो उसमें ब्रेकआउट आएगा कहीं ना कहीं, तो सिर्फ वो ब्रेकआउट हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ये हिंडालको का, तो ये जो कैंडल का जो आपका क्वेश्चन था कि आपने यही कैंडल क्यों आइडेंटिफाई की, तो ये कैंडल हमें किसने बताई, इस फॉर्मूला ने बताई, ठीक है। अदानी इंटरप्राइज का चार्ट देख लेंगे, अदानी इंटरप्राइज चार्ट 10 मई का, ठीक है, 10th of May, एक मिनट ये जो मैं इसको हटा देता हूँ, कहाँ पे है 10th of May, 9th और ये 10th में, देखिए रेंज कम होती गई रेंज कम होती गई,
ये देखिए रेंज कम होते गई, ये 10 पे का आपको चार्ट बताया था मैंने 10th में, और यहाँ से देखिए ब्रेकआउट के बाद 21%, अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो यहाँ से लगभग 25%, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 20% से ज़्यादा मिल गया सेम 15 दिन में सेम। तो आपको सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है। देखिए ये जो रेंज होगी उसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। काफ़ी लोग बोलेंगे स्टॉप लॉस नहीं बताया, तो स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है, तो रिसेंट जो रेंज या रिसेंट जो स्विंग लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आपका वहाँ पे 1:2 का टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1:3 का मिल गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कहाँ पे रुकना है ये आपकी चॉइस है। स्टॉक्स मैंने बता दिया आपको कहाँ से मिलेंगे, रेंज के वजह से आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है वो बता दिया। तो अभी आपको अगर ये सेटअप करना है तो हम लोग कल के लिए भी स्टॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं कल के लिए स्टॉक बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आना है, रन स्कैन करना है, ठीक है। रन स्कैन करने के बाद निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक्स है, यहाँ पे लगभग 14 स्टॉक्स है, कितने हैं यहाँ पे 14 स्टॉक्स, आईशर मोटर, बजाज, HDFC, ITC, NTPC, टेक महिंद्रा, महिंद्रा नेस्टले, तो इतने सारे स्टॉक्स है जहाँ पे हाई ब्रेक होता है वहाँ पे पोजीशन बनाइए, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1:2 का टारगेट प्लान कीजिए, ठीक है। इस स्क्रीनर की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इसे। दोस्तों मैंने आज आपको अच्छी तरीके से ये सेटअप समझाया, आपको स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करना है, किस वेबसाइट से आपको स्टॉक लेने हैं, कौन से क्राइटेरिया देखने हैं, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान भी करना है तो कितना टारगेट और स्टॉप लॉस रखना है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जाके जो है आप बैक टेस्ट कीजिए पहले इस सेटअप को, बहुत सारे स्टॉक्स को बैक टेस्ट कीजिए, अगर वो यहाँ पे रिटर्न्स दे रहे तो ही जाके आप यहाँ पे पोजीशन बनाइए। तो मैं होप कर दोस्तों कि आपको जो आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा, ऐसे नए नए वीडियोज़ के साथ, नए नए सेटअप के साथ हम लोग आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।